हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको थाल पोस बनाना बताऊंगी, कैसे बनाते हैं। देखिए, ये मैंने रेड कलर की बूल ली है, 6 नंबर का मैंने क्रोशिया लिया है, 3.5 मिलीमीटर का। देखिए, इस तरह से मैं रिंग बनाऊंगी। ये मैंने रिंग बना ली है। अब रिंग बनाने के बाद इसमें मैं 3 की चेन बनाऊंगी, 1, 2 और ये 3। ये मैंने 3 की चेन बना ली है। अब 3 की चेन बनाने के बाद इसमें मैं 23 डबल क्रोशिया डालूंगी, इस तरह से डबल क्रोशिया को डालना है। इस तरह से ये आएंगे डबल क्रोशिया। देखिए, इसमें मैंने ये 23 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और ये मैंने 3 की चेन डाली है, तो इसको मिलाकर हो गए हैं टोटल 24 डबल क्रोशिया। 3 की चेन को भी मैंने डबल क्रोशिया में काउंट किया है, तो ये हो गए हैं 24 डबल क्रोशिया। अब देखिए, मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। देखिए, इस तरह से ज्वाइन करना है। ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब मैं रिंग को इस तरह से टाइट कर देती हूँ। देखिए, रिंग को मैंने इस तरह से टाइट कर दिया है। देखिए, अब मैं इसमें डिजाइन डालती हूँ। सबसे पहले मैं 5 की चेन बनाऊंगी, 1, 2, 3, 4 और एक ये 5। ये मैंने 5 की चेन बना ली है। अब 5 की चेन बनाने के बाद 1 चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। देखिए, इस तरह से 1 और 2 की चेन डालना है और नेक्स्ट चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, इस तरह से 1 और एक ये 2 की चेन। नेक्स्ट चेन को छोड़ना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया को डालना है। इसी तरह से पूरी रिंग में डबल क्रोशिया को डालना है। की चेन स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है। नेक्स्ट चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। फिर 1, 2 की चेन, नेक्स्ट चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया को डालना है। देखिए, 1 और ये 2 की चेन। अब देखिए, मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से ज्वाइन करना है। देखिए,
अब देखिए इसकी मैंने ये सेकंड रो कंप्लीट कर दी है और इसमें टोटल डाले हैं मैंने 12 डबल क्रोशिया, टू की चेन बीच में और डबल क्रोशिया। देखिए डिज़ाइन इस तरह से। देखिए अब मैं इसकी तीसरी रो बनाती हूँ, थर्ड रो, 1, 2, 3 की चेन और डबल क्रोशिया। देखिए 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 और एक ये 2 की चेन और 2 डबल क्रोशिया। इसमें मैंने ये 4 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, ये 3 की चेन को भी मैंने डबल क्रोशिया में काउंट किया है। फिर इसी तरह से डबल क्रोशिया को डालना है, 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 की चेन और 2 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 4 डबल क्रोशिया। देखिए फोर डबल क्रोशिया, देखिए इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है और बीच में 2 की चेन। ये है 4 डबल क्रोशिया। देखिए अब मैंने ये रो भी कंप्लीट कर दी है। देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ, इस तरह से इसको ज्वाइन करना है। देखिए इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है, अब स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है इस तरह से। देखिए इस तरह से आ गई है ये तीसरी रो, देखिए मैं दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से आ गई है। अब देखिए मैं इसकी फोर्थ रो बनाती हूँ, ये मैंने स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ा दिया है। अब देखिए फोर्थ रो बनाना है तो इस तरह से बनाते हैं, 1, 2, 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 की चेन और 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने इसमें 4 डबल क्रोशिया डाल दिए। फिर 1 चेन लेना है, टू डबल क्रोशिया, 2 की चेन और 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेना है, 4 डबल क्रोशिया डालना, 2 डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 2 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ, ज्वाइन करना इस तरह से। देखिए स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना इस तरह से, ये मैंने आगे को बढ़ा दिया है। अब देखिए फोर्थ रो इस तरह से आ गई है, ये इस तरह से इसकी ये फोर्थ रो आ गई है। अब देखिए मैं इसकी फिफ्थ रो बनाती हूँ, पांचवी रो, तो इसी तरह से बनानी है, इसी तरह से बनानी है। 1, 2, 3 की चेन और डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन और 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, इसी तरह से फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया डालना है,
इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। 1 2 की चेन, 1 चेन, टू की चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब मैंने ये रो भी कंप्लीट कर दी है। अब 1 चेन और स्लिप स्टिच लेते हुए मैं ज्वाइन कर देती हूँ। इस तरह से ज्वाइन करना है, इस तरह से आगे को बढ़ाना है। इस तरह से ये रो आ गई है। देखिए अब बनाती हूँ मैं नेक्स्ट रो। 3 की चेन डबल क्रोशिया, 1 और एक ये 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 2 की चेन। देखिए इस तरह से दोनों को लेना है यहाँ से, सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से। फिर 1 2 की चेन और 4 डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 2 डबल क्रोशिया। देख इस तरह से आ गया है डिजाइन। 1 और एक ये 2 की चेन, मैंने 2 की चेन डाल दी है। अब यहाँ से लेना है सिंगल क्रोशिया इस तरह से, यहाँ से इसको लेने के बाद इस तरह से सिंगल क्रोशिया को बुनना है। 1 और एक ये 2 चेन लेना है और 4 डबल क्रोशिया डालना है। वन 2 की चेन लेना है, 2 की चेन लेने के बाद नीचे को इस तरह से निकालना है यहाँ से, सिंगल क्रोशिया बुनना इस तरह से। 1 2 की चेन और 4 डबल क्रोशिया। वन 2 की चेन, 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से आ रहा है, देखो डिजाइन। यहाँ से निकालना है नीचे से, यहाँ से सिंगल क्रोशिया लेना है। इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करना है। 2 चेन और इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेना है नीचे को, और इस तरह से बुनना है सिंगल क्रोशिया को। देखिए 1 2 की चेन और 4 डबल क्रोशिया, 1 और एक ही 2 की चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 की चेन, और यहाँ से डालना है सिंगल क्रोशिया नीचे से। 1 और एक ये 2 की चेन। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से, यहाँ पर ज्वाइन करना। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है, लीफ बन रही है, फ्लावर लीफ। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आ गया। देखिए अब मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। इस तरह से बनानी है, देखिए 1 2 3 4 5 और एक ये 6 की चेन, और यहाँ पर डालना है टॉप पर सिंगल क्रोशिया इस तरह से। देखिए फिर 1 2 3 4 5 और एक ये 6 की चेन, और यहाँ पर डालना है टॉप पर सिंगल क्रोशिया इस तरह से।
वन टू थ्री फोर फाइव और एक ये सिक्स डालना है सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री फोर फाइव और एक ये सिक्स, देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया डालना है, देखिए इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव और एक ये सिक्स, सिक्स चेन और यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। देखिए अब मैंने ये रो भी कंप्लीट कर दी है, देखिए ये मैंने रो भी कंप्लीट कर दी है, सिक्स की चेन बनाई है पूरी रो में। अब देखिए मैं नेक्स्ट रो बनाती हूँ, स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को मैंने ये बढ़ा दिया है, अब वन टू थ्री, थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन और एक ये ट्वेल्व। तो इसमें मैंने ये ट्वेल्व डबल क्रोशिया डाल दिए चेन में, ट्वेल्व डबल क्रोशिया डाल दिए। इसी तरह से ट्वेल्व ट्वेल्व डबल क्रोशिया पूरी रो में डालने हैं। देखिए ये रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है, इसमें मैंने ट्वेल्व ट्वेल्व डबल क्रोशिया डाले हैं पूरी रो में। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ, ज्वाइन करना है देखिए इस तरह से, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है, देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए अब मैं नेक्स्ट रो बनाती हूँ, इस तरह से बनाना है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव की चेन और डबल क्रोशिया, इस तरह से डबल क्रोशिया डालना है, वन टू की चेन और नेक्स्ट चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया को डालना है, देखिए इस तरह से टू चेन लेना है, फिर नेक्स्ट चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया, इसी तरह से डबल क्रोशिया को डालना है। नेक्स्ट चेन पे स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, इसी तरह से पूरी रो में डालना है, वन टू की चेन और डबल क्रोशिया, वन टू की चेन नीचे से वन चेन स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, वन टू की चेन वन टू की चेन और डबल क्रोशिया, इसी तरह से डालना है डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में डालना है, नेक्स्ट इसको स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है, वन और एक ये टू, टू की चेन। अब देखिए ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है, अब इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी, इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है, इस तरह
बंद कर दिया। देखिए इस तरह से ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ कि थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, वन टू की चेन, टू डबल क्रोशिया, वन और एक ये टू, फिर वन चेन लेना है, वन और टू, टू को स्किप करना है और फिर से फोर डबल क्रोशिया डालना है, टू की चेन और फोर डबल क्रोशिया, टू की चेन, टू डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से बुनना है, वन चेन और वन और एक टू, इसको स्किप करना है, वन और एक ये टू और नेक्स्ट चेन में फोर डबल क्रोशिया डालना है, टू टू की चेन और टू डबल क्रोशिया। फिर वन चेन और वन और एक ये टू, टू को स्किप करना है और नेक्स्ट में डालना है, वन टू और टू की चेन, देखिए इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये रो भी अब कंप्लीट कर दी है। ये डिज़ाइन देखिए फिर रिपीट हो गया है, जैसे मैंने ये डिज़ाइन नीचे डाला था वैसी मैं ऊपर डाल रही हूँ, ऊपर डाल रही हूँ, इस तरह से ये आ गया है। अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ, वन चेन, देखिए मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ स्लिप स्टिच लेते हुए, यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन करना है और आगे बढ़ाना है इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए। अब देखिए फिर मैं इसी तरह से फोर डबल क्रोशिया डालूंगी और बीच में टू की चेन और यहाँ पर वन की चेन, वन टू थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, वन टू की चेन और टू डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये फोर डबल क्रोशिया। देखिए फोर डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं, फिर वन चेन लेना है और यहाँ पर भी फोर डबल क्रोशिया डालना है, टू डबल क्रोशिया, टू की चेन और टू डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये फोर डबल क्रोशिया। वन चेन, अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ, इस तरह से ज्वाइन करना है। देखिए आप स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है इस तरह से, वन टू थ्री की चेन। देखिए इस तरह से अब ये रो आ गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ, अगली रो बनानी है तो इस तरह से बनानी है। देखिए थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, वन और एक ये टू, टू की चेन और फिर से टू डबल क्रोशिया, फिर वन टू, टू की चेन और यहाँ से देखिए सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनना है नीचे को डालकर, इस तरह से, इस तरह से लिया सिंगल क्रोशिया और इसको बुन दिया इस तरह से। देखिए फिर वन टू की चेन, टू की चेन और फोर डबल क्रोशिया, वन टू, टू की चेन और टू डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये फोर डबल क्रोशिया। देखिए फिर वन टू, टू की चेन और इस तरह से यहाँ से इसको बुनना है, दोनों को लेने के बाद बुनना है इस तरह से। फिर वन और एक ये टू, टू की चेन और फोर डबल क्रोशिया,
वन टू, टू की चेन और टू डबल क्रोशिया, वन टू की चेन, इस तरह से बुनना। इस तरह से ये रो आएगी बनकर और पूरे में इसी तरह से बनाना है। टू की चेन और फोर डबल क्रोशिया, वन वन टू, टू की चेन और टू डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये फोर डबल क्रोशिया। देखिए वन और एक ये टू, टू की चेन, देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालकर इस तरह से बुनना है। फिर वन और एक ये टू की चेन। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ पर ज्वाइन कर देती हूँ। ज्वाइन करना है यहाँ पर, इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है, इस तरह से आगे को बढ़ाना है। देखिए ये रो भी इस तरह से बनकर आ गई है, दिखाती हूँ मैं। देखिए इस तरह से मैंने ये रो भी बना ली है, इस तरह से रो बनकर ये आ गई है। देखिए अब इसकी मैं नेक्स्ट रो बनाती हूँ। नेक्स्ट रो बनानी है तो इस तरह से बनानी है, वन टू थ्री फोर फाइव और एक ये सिक्स, सिक्स की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से। देखिए इस तरह से आएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव और एक ये सिक्स, तो ये सिंगल क्रोशिया यहाँ पर डालना है इस तरह से। देखिए सिक्स की चेन डालते हुए रो को कंप्लीट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव और एक ये सिक्स, इस तरह से यहाँ पर डाल के उसको ज्वाइन कर देना है और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है इस तरह से। देखिए अब ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है, इस तरह से आ गई है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए अब मैं इसका बॉर्डर बनाती हूँ, वन टू थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन और एक ये ट्वेल्व। देखिए मैंने इसमें ये ट्वेल्व डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, इसी तरह से ट्वेल्व ट्वेल्व डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। और एक ये ट्वेल्व, इसमें मैंने ये ट्वेल्व डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर देती हूँ, इस तरह से ज्वाइन करना है। देखिए इसको मैंने अब ज्वाइन कर दिया है, किस तरह से आ गया है ये। ये मैं इसका बॉर्डर बना रही हूँ, बॉर्डर बना रही हूँ। देखिए इस तरह से बनाना है। देखिए मैं बनाती हूँ, वन टू थ्री की चेन और डबल क्रोशिया, देखिए फिर वन टू की चेन और नीचे से भी वन चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया डालना, वन टू की चेन, वन चेन को स्किप करना है, आगे वाली चेन में डालना है, वन टू की चेन, वन चेन को स्किप करना है, वन चेन में डालना है। इस तरह से वन टू स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डालना है।
वन टू की चेन, वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है। तो इस तरह से फिर आगे वाली चेन में भी इसको हाफ बुनूंगी और फिर इसको भी हाफ बुनूंगी। ये हो गए 1 2 3 4 और एक साथ निकाल लें। देखिए इस तरह से मैंने तीनों का एक बना दिया है। यहाँ पर 1 2 की चेन और वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है। 1 2 की चेन, वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है। 1 2 की चेन, वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है। 1 2 की चेन स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डालना है। देखिए 1 2 की चेन, वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है। हाफ डबल क्रोशिया, ये 2 हाफ डबल क्रोशिया और ये 3 हाफ डबल क्रोशिया। देखिए तीनों को एक साथ मैंने निकाल दिया इस तरह से। फिर 1 2 2 की चेन, वन चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट चेन में डालना है। देखिए इस तरह से आएगा ये, इस तरह से ये बॉर्डर आएगा। इसको मैंने हाफ बुना डबल क्रोशिया को, इसको भी मैंने हाफ बुना और फिर इसको भी मैंने हाफ बुना। यहाँ से मैंने ये डिक्रीज कर दिए हैं यहाँ पर। फिर 2 की चेन, वन चेन को स्किप करना है, वन चेन में डबल क्रोशिया डालना है, 2 चेन स्किप करना है, 2 की चेन। अब देखिए यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया और फिर इस तरह से लेकर इसको बुनना है तीनों को। इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से ये आ गया है। देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ, अगली रो बनाती हूँ। 1 और एक ये 2, 2 की चेन, इसको स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डालना है डबल क्रोशिया को। 2 3 डबल क्रोशिया, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। फिर 1 और एक ये 2 की चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से। फिर 1 2 की चेन और फिर यहाँ भी सिंगल क्रोशिया डालकर बुनना है इस तरह से। देखिए और फिर 1 2 की चेन और ये इस वाले को स्किप करना है और नेक्स्ट में डालना है 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3 1 2 की चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर 1 2 की चेन और इसको स्किप करना है, नेक्स्ट में डालना है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। और फिर 1 2 की चेन और फिर यहाँ पर डालना है सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर 1 2 की चेन और इसमें बीच वाले में डालना है, स्किप करने के बाद इसको छोड़ देना है, इसमें डालना है 6 डबल क्रोशिया। 1 2 2 3 1 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 की चेन, इसको स्किप करना है, इसमें डालना है सिंगल क्रोशिया। 1 2 की चेन फिर यहाँ पर डालना है सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से आएगा ये बॉर्डर, पूरा बॉर्डर इसी तरह से बनाना है। 2 चेन और सिंगल क्रोशिया, 1 2 चेन, यहाँ पर डालना है सिंगल क्रोशिया।
इस तरह से। अब ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए कि अब मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। इस तरह से बनानी है। अब मैं बनाती हूँ वन चेन और यहाँ पे डालना है डबल क्रोशिया। ये मैंने डबल क्रोशिया डाल दी है। फिर वन चेन लेना है और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है। वन चेन और डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से फिर वन चेन और यहाँ पे डालना है थ्री डबल क्रोशिया। वन टू वन चेन और ये थ्री। देखिए फिर वन चेन डबल क्रोशिया वन चेन डबल क्रोशिया वन वन चेन डबल क्रोशिया। देखिए इसमें मैंने ये नाइन डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। नाइन डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए। देखिए और बीच में वन की चेन डाली है मैंने। वन की चेन डाली है। अब इस तरह से वन चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया फिर वन चेन और यहाँ पर डबल क्रोशिया डालना है। नाइन डबल क्रोशिया इसमें वन चेन डबल क्रोशिया वन चेन डबल क्रोशिया। ये होगा थ्री डबल क्रोशिया वन चेन। इसमें डालने हैं ये थ्री डबल क्रोशिया। वन चेन और डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने नाइन डबल क्रोशिया डाल दिए हैं यहाँ पर भी। फिर वन चेन लेना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना है। फिर वन चेन लेना है और यहाँ पर डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से मैंने ये नाइन डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और इसी तरह से नाइन नाइन डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए वन चेन लेना है बीच में वन चेन और सिंगल क्रोशिया। देखिए अब मैंने ये रो भी कंप्लीट कर दी है। इस तरह से आ गई है ये रो। देखिए देखिए मैं बॉर्डर की लास्ट रो बनाती हूँ। लास्ट रो बनानी है तो इस तरह से बनानी है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेना है और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया वन टू थ्री और ये फोर फोर की चेन और सिंगल क्रोशिया। इस तरह से चेन में सिंगल क्रोशिया लेना है फिर इस तरह से बुनना है। फोर की चेन और सिंगल क्रोशिया लेना इस तरह से फिर बुनना है। वन टू थ्री फोर की चेन और चेन में को ही सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से।
वन टू थ्री फोर की चेन सिंगल क्रोशिया। थ्री फोर की चेन टू थ्री फोर की चेन टू थ्री फोर की चेन सिंगल क्रोशिया वन टू थ्री फोर की चेन इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेना है। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेकर बुनना है, फिर आगे भी इस तरह से बुनना है। देखिए इस तरह से ये आएंगे, इस तरह से ये बॉर्डर आएगा। वन टू थ्री फोर की चेन इसमें कोई डालकर इसको बुनना है इस तरह से। वन टू थ्री फोर की चेन थ्री फोर की चेन इसी तरह से मैंने ये डाल दिए हैं। देख इस तरह से आएंगे ये बॉर्डर में। देख देखिए इसी तरह से डालते हुए रो को कंप्लीट करना है, रो को कंप्लीट करना है। थर्ड पोज मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसको पीछे कर देते हैं। देखिए अब मैंने इसका बॉर्डर भी ये कंप्लीट कर दिया है। देखिए इस तरह से ये अब थाल पोज बनकर आया है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है बनने के बाद। आप इसको किसी भी चीज़ पर डाल सकते हैं, टेबल पर, ड्रेसिंग टेबल पर, किसी भी चीज़ पर आप इसको डाल सकते हैं। देखिए इसमें बूल लगी है, 72 ग्राम बूल लगी है और ये 4-ply बूल है जिससे मैंने ये बनाया है। 4-ply बूल है, इस तरह से ये बनकर आ गया है। देखिए अब ये थाल पोस मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।